गुड मॉर्निंग क्लास वन, लेसन सिक्स स्टार्टिंग विद टक्स पेंट में आज हम 54 पेज पे पढ़ेंगे यूजिंग द स्टेम टूल। स्टेप वन, क्लिक ऑन द स्टेम टूल ऑन द राइट साइड। मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल। स्टेम टूल पर क्लिक करते हैं। ओके, के राइट साइड में जो होते हैं बहुत से ऑप्शंस होते हैं। टू सी मोर ऑप्शन इन सेम टाइप क्लिक ऑन द अप एंड डाउन एरो। और ऑप्शंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, अप या डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, जिससे कि और से ऑप्शंस उसमें दिखने लगते हैं। ओके, क्लिक ऑन द लेफ्ट एंड राइट एरो टू गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी। और लेफ्ट और राइट एरो पर क्लिक करने पर और भी कैटेगरी उसमें दिखने लगती है। ओके, स्टेप वन में क्या किया था, सेलेक्ट द स्टेम टूल। स्टेम टूल ये है आपका, यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको। स्टेप टू पे क्या किया, सेलेक्ट अ स्टेम। यहाँ पर स्टेम हमने सेलेक्ट किया, ये जैसे यहाँ पे कर लिया, ये पैकबिन है, इसमें यहाँ फिश किया गया है। ओके, स्टेप थ्री पे क्या है, यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। ओके, इस स्टेम की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज हम यहाँ से करते हैं। ओके, यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, स्टेप फोर में क्लिक इन द ड्राइंग। जैसे ड्राइंग एरिया में हम क्लिक करते हैं, आपका ये स्टेम, चाहे आपका ये पैगविन हो, चाहे फिश हो, जो भी यहाँ पे आपका स्टैम्प होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन स्टेप टू, यहाँ ले क्लिक ऑन अ स्टैम्प टू सेलेक्ट इट। सेलेक्ट किया मैंने वहाँ पे स्टैम्प थ्री। स्टेप थ्री, यू कैन रिड्यूस और इंक्रीज द साइज बाय क्लिकिंग ऑन साइज। ये जो साइज मैंने बताया है, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ओके, स्टेप फोर, क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया टू पुट द स्टैम्प इन योर ड्राइंग। और ड्राइंग एरिया में हम क्लिक करते हैं जहाँ पे आपका वो स्टेम्प आ जाता है। यू कैन सी हाउ वी हैव एडेड डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस ऑफ, यहाँ लिखा है फिशेस टू कंप्लीट द ड्राइंग। यहाँ पे ये इसने फिश को यहाँ पर स्टेम्प टूल के लिए यूज़ किया है। अगर हम ये पैगविन यूज़ करते हैं तो इसकी भी साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर इस एरिया में, ड्राइंग एरिया में इसको हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, और हम करके देखते हैं। अब हम यहाँ करते हैं, पहले हमने लिया स्टेम टूल। स्टेम टूल लेने पर यहाँ पर आपके जितने भी स्टेम होंगे वो आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आकर के हमने जैसे ही क्लिक किया, आपका स्टेम यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ पे हमने पेंगुइन को क्या किया है, पुट किया है। ओके, इस तरीके से हम स्टेम टूल का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।